हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन गरीब को बिना भेदभाव किसकी योजना का लाभ मिलना, गरीब को मकान मिल जाना, गरीब को शौचालय मिल जाना, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उसकी आस्था का सम्मान हो जाना और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में जिन दंगों से ग्रसित राज्य था उसमें एक चुनौती थी, लेकिन जब यशस्वी नेतृत्व होता है और निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को भेदना भी बहुत आसान हो जाता है और ये 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, सरकार ने मिलकर के वही परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिया है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा निरंतर हमें इन क्षेत्रों में प्राप्त होती रही। आज जब 5 वर्ष की अपने इस कार्यकाल के साथ ही एक नई अग्नि परीक्षा के साथ हम सब उतर रहे हैं, इस अवसर पर आज नामांकन के इस कार्यक्रम के अवसर पर भी माननीय गृह मंत्री जी का सानिध्य गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आज यहां पर प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से महायोगी भगवान गोरखनाथ की इस पावन धरती पर माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और आगंतुक सभी अतिथियों का और आप सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास, हम सबका यही विश्वास होना चाहिए कि जो परिणाम उत्तर प्रदेश से अपेक्षित है उस परिणाम को देने के लिए हर एक कार्यकर्ता स्वयं में, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बनकर के वह अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजयी प्रदान करने में अपना योगदान देगा। मैं आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में अपना दल के नेता माननीय श्री आशीष पटेल जी भी और निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद जी भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर हमारे गठबंधन के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, वे भी आज इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हृदय से यहां पर स्वागत करता हूं। हमारे अन्य मान्य विधायकगण भी यहां पर आए हैं, डुमरियागंज से श्री राघवेंद्र सिंह जी हैं, सैजनवा से शीतल पांडे जी हैं, मैदावल से श्री राकेश सिंह बघेल जी हैं और भी अपने सिसवा से हमारे वहां के मान्य विधायक पटेल जी भी आज यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आप सभी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको इस पूरे कार्यक्रम के प्रति लग करके, बढ़ करके और हम लोग बिना किसी रुके थके डिगे लक्ष्य को प्राप्त करने के समय अहर्निश प्रयास करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। मौसम के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप आए क्योंकि कल सायंकाल से ही लगातार बारिश, रात्रि भर बारिश थी, सुबह भी बारिश थी और उस सब के बावजूद आप लोगों ने आए, माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। को हालांकि नामांकन उससे पहले लोगों को संबोधित करते हुए, हालांकि उनके साथ अमित शाह मौजूद हैं, इसके अलावा और भी संगठन के बड़े नेता, कई विधायक और इसके अलावा
गठबंधन के भी नेता उनके साथ मौजूद हैं। तो जिस तरीके से नामांकन गोरखपुर सदर सीट से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और ऐसे में नामांकन को भव्य बनाया जा रहा है और महाकवरेज के जरिए न्यूज स्टेट जिस तरीके से महाकवरेज कर रहा है उसके जरिए हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भी नहीं रहा ऐसे देश के पराक्रमी गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, हम सबको सादर उद्बोधन के लिए एक बार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ देश के गृह मंत्री जी का शिवावतारी गुरु गोरखनाथ की पावन तपोभूमि पर अभिनंदन करें। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई गोरखपुर में योगी जी का पर्चा डालना है, यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और गोरखपीठ के पीठाधीश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे साथ योगी जी के नामांकन में दिल्ली से आए देश के शिक्षा मंत्री और चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के संगठन को स्फूर्तिला बनाया है, पेज प्रमुख तक पहुंचाया है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, आज हमारे सहयोगी दल के दोनों अध्यक्ष निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद जी, अपना दल से भाई आशीष पटेल जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, रवि किशन शुक्ला जी, जय प्रकाश निषाद जी, कमलेश पासवान जी और यहीं के विधायक जिन्होंने योगी जी को जिताने का संकल्प लिया है डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल जी, और आज योगी जी के नामांकन में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता खतियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया था। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है और स्थान भी इतना पवित्र है, शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरखनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए हैं। मित्रों गोरखनाथ का भूमि कई तरह से याद रखा जाता है पूरे देश भर में, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वयं गोरखनाथ जी और कबीरदास चारों की कर्म भूमि रही है गोरखपुर में। आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। मित्रों आज मैं यहां आया हूं तब मुझे 2013 भी याद आता है। 2013 में मुझे जब भाजपा का प्रभारी बनाया गया
तब द्वेष भर के और विशेषकर दिल्ली के पत्रकार कहते थे आपको किस जगह पे भेज रहे हैं जहां भाजपा शायद इस चुनाव में डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएगी। खैर, मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए, उत्तर प्रदेश जहां डबल डिजिट की बात करते थे विपक्ष डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, हमने 73 सीटों को प्राप्त। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाता। यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। फिर योगी आदित्यनाथ जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, 19 का चुनाव हुआ, 2 साल तक योगी जी ने यहां पर सुशासन की नींव डालने का काम करा था। उसको देखते हुए सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए और एक महागठबंधन बनाया। मैंने भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कहा था जो बचे कुचे हैं वो भी इकट्ठा हो जाओ, कर लो दो दो हाथ, हम फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 65 सीटें आई और फिर मोदी जी की उत्तर प्रदेश के प्रति जो अनुराग है और योगी जी की जो कर्मठता है, इसका एक सुभग सुमेल हुआ। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया है।